हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ खेल तंत्र। दोस्तों, कल हैदराबाद एफसी के हाथों नॉर्थ ईस्ट वेदर एफसी को 5-0 स्कोर लाइन की एक बहुत ही बड़ा मार्जिन से हार का सामना करना पड़ा। एंड गाइस, दिस इज अ बिग विन फॉर हैदराबाद एफसी। ऑनगोइंग सीजन में हैदराबाद एफसी ने नॉर्थ ईस्ट वेदर एफसी को दोनों ही मैचों में हराया है। और गाइस, दोनों ही मैच बहुत ही हाई स्कोरिंग मैच रहे थे। इस मैच में काफी सारे रिकॉर्ड्स भी बने। सो गाइस, देयर आर हेल लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। बट बिफोर बिगिनिंग इस वीडियो का लाइक टारगेट है ओनली 300। अगर इस वीदियो को 300 लाइक्स मिल जाते हैं, दैट विल बी काइंड ऑफ कूल। तो गाइस, कल के मैच में इस प्रकार के एक लाइनअप के साथ हाइलैंडर्स फील्ड पर उतरे थे। खालिद जमील के लाइनअप में जकारिया डायलो, फ्लॉटमैन जैसे प्लेयर मौजूद थे। लेकिन गाइस, डू यू नो व्हाट वाज द रियल डिफरेंस बिटवीन द टू साइड? इट वाज देयर डोमेस्टिक साइनिंग। जी हां, जो क्वालिटी यहां पे हैदराबाद एफसी के डोमेस्टिक प्लेयर्स में मौजूद है, कल फील्ड पर वो साफ दिखाई दे रहे थे। यहां पे आप बात कर सकते हैं आकाश मिश्रा, आशीष राय, निखिल पुजारी के बारे में। दे कंप्लीटली आउटक्लास नॉर्थ ईस्ट वेदर एफसी यस्टरडे। और गाइस, नॉर्थ ईस्ट वेदर एफसी के ऑल टाइम हाई स्कोरर फॉर्मर हाइलैंडर बार्थोलोमियो ओगबेचे का परफॉर्मेंस भी लास्ट मैच में बेहतरीन था। इस एज में जिस तरह की बॉल अवेयरनेस उन्होंने ओपोजिशन के बॉक्स में दिखाया है, आई थिंक वी नीड टू अप्रिशिएट द क्वालिटी। एक ऐसा प्लेयर जिन्होंने नाइजीरिया के नेशनल टीम को महज 18 साल की उम्र में फीफा वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट किया हो, आई थिंक उनके काबिलियत पर अब कोई सवाल नहीं कर सकते। लेकिन गाइस, देन अगेन कमिंग बैक टू नॉर्थ ईस्ट वेदर एफसी, दिस वॉज क्लब्स 9th डिफीट इन इंडियन सुपर लीग दिस सीजन। और गाइस, पिछले 8 मैचों से क्लब विनलेस रहे हैं। तो यहाँ पे खालिद जमील के टैक्टिक्स, खालिद जमील के साइनिंग के ऊपर सवाल जरूर खड़ा होंगे। लेकिन गाइस, बिफोर क्वेश्चनिंग खालिद जमील, वी आल्सो नीड टू कंसीडर अ फ्यू फैक्टर। जो साइनिंग्स यहां पे नॉर्थ ईस्ट वेदर एफसी ने किया है, क्या उन साइनिंग्स के लिए सिर्फ और सिर्फ खालिद जमील जिम्मेदार है, या दोस डिसीजंस वर टेकन सोली बाय नॉर्थ ईस्ट वेदर एफसी मैनेजमेंट, या गाइस खालिद जमील वाज गिवन अ बंच ऑफ प्लेयर टू ट्राई आउट? वी डोंट नो द इनसाइड स्टोरी। तो यहां पे मेरे मुताबिक सेकिंग खालिद जमील इज नॉट द राइट आंसर, क्योंकि गाइस जो मुझे लग रहा है, जिस तरह की स्क्वाड हमारे पास मौजूद है, जो क्वालिटी हमारे स्क्वाड में मौजूद है, एनीथिंग अबव द 9th पोजीशन इज सेटिस्फैक्टरी टू मी। जी हां, अगर खालिद जमील आईएसएल टेबल के 9th पोजीशन से ऊपर किसी एक पोजीशन पे फिनिश करते हैं, देन आई थिंक ही डिजर्व्स टू बी बैक बाय द नॉर्थ ईस्ट वेदर एफसी मैनेजमेंट। क्योंकि गाइस, यहां पे खालिद जमील के काबिलियत पर आप कोई सवाल नहीं कर सकते। आइजोल एफसी के साथ उन्होंने आई लीग के खिताब जीता था, लास्ट सीजन हाईलैंडर को इंडियन सुपर लीग के सेमीफाइनल तक ले गया था। तो गाइस, एक ऐसा कोच के ऊपर आप कैसे सवाल कर सकते हैं? क्योंकि गाइस, कल मैच के बाद पोस्ट मैच एनालिसिस में जॉन ग्रेगरी ने एक बात कहा था, इट्स फुटबॉल एंड एवरी सीजन डजंट एंड विद चैंपियन। तो गाइस, दिस माइट नॉट बी द सीजन टू सेलिब्रेट फॉर नॉर्थ ईस्ट वेदर एफसी, और यहां से हमें आगे के बारे में सोचना होगा। जी हाँ दोस्तों, अगले सीजन से इंडियन सुपर लीग में रिलीगेशन शुरू होने वाले है, और अगर नॉर्थ ईस्ट वेदर एफसी को इस टॉप डिविजन लीग में कंटिन्यू करना है, तो गाइस क्लब को कुछ बेहतर फैसले लेने पड़ेंगे। एंड इवन इफ दोस डिसीजन मनी टू बी इन्वेस्टेड इन, दोस्तों यहां पे पैसा इन्वेस्ट करना होगा, अदरवाइज इट विल बी अ मैटर ऑफ सर्वाइविंग। जी हां, यहां पे फंदा बहुत सिंपल है। अगर आपको आईएसएल खेलना है, तो गाइस आपको रिलीगेशन जोन से बाहर रहना होगा। और गाइस, अपकमिंग सीजन में देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आर गोइंग टू चेंज। सो गाइस, यहां से द गेम इज कंप्लीटली ऑन मैनेजमेंट्स हैंड। मैनेजमेंट आप कैसे क्लब को रिबिल्ड करते हैं, वो देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। इफ यू आर गोइंग टू प्ले द गेम, यू गॉट टू लर्न टू प्ले इट राइट। और ऐसा नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट वेदर एफसी ने कभी भी इंडियन सुपर लीग में कमबैक नहीं किया है। 2017-18 सीजन के डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंसेस के बाद हाइलैंडर्स ने 2018-19 सीजन के सेमीफाइनल में खेले थे। फिर गाइस, नॉर्थ ईस्ट वेदर एफसी 2019-20 के डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस के बाद 2020-21 के सेमीफाइनलिस्ट बने थे। तो गाइस, नॉर्थ ईस्ट वेदर एफसी इज अ क्लब हु नोज हाउ टू कम बैक। दोस्तों, 2018-19 सीजन के प्लेऑफ के क्वालिफिकेशन की खुशी में प्लेयर्स ने फैंस के साथ सेलिब्रेट भी किया था। आई वाज लकी इनफ टू बी प्रेजेंट देयर। तो गाइस, नॉर्थ ईस्ट वेदर एफसी एक ऐसा क्लब है जो अपने फैंस के लिए इतना कुछ करते हैं। तो गाइस, इस टफ सिचुएशन में हमें सिर्फ क्लब को सपोर्ट करना है। दोस्तों, फुटबॉल का मतलब ये नहीं है कि हर मैच में आपको जीत ही मिलेंगे, देयर विल बी सम टफ डेज एज वेल। लेकिन गाइस, इन टफ सिचुएशन पे आप कैसे रिबिल्ड करते हैं, आप कैसे फाइट बैक करते हैं, वहां पे आपका कैरेक्टर डेवलप होते हैं। और गाइस, जितना कि मुझे नॉर्थ ईस्ट वेदर एफसी के बारे में पता है, वी एज ए क्लब नोस हाउ टू फाइट बैक। और गाइस, वी विल फाइट बैक अंटिल द एंड।